नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं JVVNL टेक्निकल हेल्पर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि JVVNL हेल्पर टेक्निकल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी आंसर की आपने देख ली होगी, ऑफिशियल साइट पर जारी हो चुकी है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्शन वो फॉर्म फिलअप थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ऑब्जेक्शन की डेट थी वो अब क्लियर हो चुकी है, अब कोई भी ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो बंद हो चुकी है। अब जो आपके मेन एग्ज़ाम हुए थे उसकी आंसर की आपने देख ली होगी, आंसर की तो आ चुकी है। उसके बाद में बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है इस साल का, 2022 के अंदर कट ऑफ क्या रहेगा और रिज़ल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, तो इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपके मेन एग्ज़ाम हुए हैं टेक्निकल हेल्पर के, तो इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी वालों का कितना कट ऑफ रहने वाला है इस साल का, ठीक है। हम बात करेंगे सेव स्कोर, जो सिलेक्शन कट ऑफ रहेगा उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे, तो जनरल के अंदर आपका कट ऑफ रहने वाला है 110 से 115 मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम है 115 और मिनिमम है 110, ठीक है। अगर 115 से किसी के अबव आते हैं तो उसका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, ये तो था जनरल का। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी वालों का कट ऑफ रहने वाला है 110 से 113 के बीच में। अगर किसी स्टूडेंट के 110 से 113 के बीच में मार्क्स आते हैं मेन एग्ज़ाम में तो उसका फाइनली टेक्निकल हेल्पर के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ रहने वाला है 105 से 107 या 108 के करीबन। इतना अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपका इजीली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है एससी कैटेगरी, एससी वालों का कट ऑफ रहने वाला है 100 से 103 नंबर या 104 या 5, 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 103 या 105 के बीच में ही रहने वाला है। फिर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी, तो एसटी वालों का कट ऑफ रहने वाला है 98 से 102 के बीच में। अगर 98 नंबर में से 102 के बीच में एसटी वाले लेके आ जाते हैं तो उसका फाइनली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की, तो दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है उसकी अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आई है, ना ही कोई डेट बताई गई है, ना ही कोई आर्टिकल आया है, लेकिन हाँ जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हम आपको बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट आपकी नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका ऑफिशियली साइट पे रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी अपडेट दोस्तों टेक्निकल हेल्पर को लेके। कोई भी न्यू अपडेट आती है तो आपको चैनल के माध्यम से वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी।